हेलो फैमिली, आपका स्वागत है पूजा ब्लॉग जय माता दी में। और बताइए आप लोग कैसे हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम और मैं अभी सो के उठी हूँ। तो सो के उठी हूँ तो बारिश हो रही है बाहर, बहुत मतलब थोड़ा बहुत शुरू हो गई है बारिश। और मेरे सिर में दर्द हो रहा तो मैंने चढ़ाई है चाय। पहले मैं एक कप चाय पी के झाड़ू लगा के और उसके बाद खाने की तैयारी में लगूँगी नहाने के बाद। और क्या कहते हैं, आज जाना है चिकू पापा को, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। अभी टाइम यही 5:30 हो रहे हैं तो वो 6:30 तक निकल जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। आप लोग बैठिए यहीं पे, देखिए मेरी वीडियो। सुबह सुबह का ही टाइम है तो मैं छत धो रही थी, क्योंकि छत पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश की वजह से। इसलिए मैं इनका छत की भी सफाई इसी टाइम कर ही देती हूँ। फिर उसके बाद सब्जी वब्जी काटूँगी तो मैं जल्दी से जल्दी जल्दी से छत की सफाई कर दूँगी। देखिए आप लोग, और आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा जाता है और मैं किस चीज़ पर ब्लॉग बनाऊँ। इसके लिए भी आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं किस चीज़ पर ब्लॉग डाला करूँ। वैसे तो मैं जो भी करती हूँ वो सारे ब्लॉग डालती हूँ, तो देखिए आप लोग। यहाँ मैं सब्जी कटिंग कर लूँगी और देख सकते हैं आप लोग बैंगन काट रही हूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं नहा धो के आ गई थी। यहाँ पे चिकू पापा अपने ऑफिस चले गए थे
अब मैं नहा के आई थी पूजा पाठ करके, तो मैं जल्दी सब कंघी कर लूँगी। अभी खाना मुझे बनाना है। मैंने सुबह का सिर्फ पराठे और सब्जी बनाए थे, वो उन्हीं भर बनाए थे क्योंकि हमारे घर में बिना नहाए खाना नहीं बनता, तो लेकिन जल्दी थी तो उनको बना के दे दिया था क्योंकि तबीयत सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो इसीलिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं जल्दी जल्दी कंघी कर लूँगी और आप लोग इन्जॉय करिए, मतलब देखिए कि मैं किस तरीके से रोज़ काम करती हूँ, और बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसा जाता है प्लीज। बनाने जा रही हूँ खाना। ये सुबह की सब्जी थोड़ी सी पड़ी है, पहले बनाऊँगी चाय, उसके बाद खाना बनाऊँगी। बारिश बहुत हो रही है, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कपड़े सुखा रखे, कुछ उस पर इस तरीके से सुखा रखे मैंने कपड़े। तो और मैं अपनी सारी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ, लिपस्टिक वगैरह, क्रीम वगैरह, आप लोग भी रखा करिए, उससे क्या होता है कि गर्म नहीं हो, ख़राब नहीं होती चीज़ें। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिया है पालक को, कटिंग कर लिया, अच्छे से इसको धो लिया है साफ़ पानी से, और ये रात को चना भिगो के रखा था मैंने वो, और चने की दाल, ये सब चीज़ें मैं एक साथ मिक्स कर दूँगी जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से आप लोग कभी बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। और ये रहा चना, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये हमारे शरीर के लिए भी ताकत है, और सब चीज़ें इसमें ताकत की, आप लोग जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो मैं अब इसमें पालक भी ऐड कर दूँगी, ये आप लोग को मैं वीडियो दिखा रही हूँ इस तरीके से। हाँ, और पालक को अच्छे से धो ले क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है, तो इस समय वो साग वाग ले तो ध्यान से देख करके ले क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो बारिश के मौसम में कोई भी चीज़ लेने से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो आप लोग बताइए। और ये मैंने कर दिया हल्दी ऐड, अभी मैंने हल्दी को डब्बे में नहीं डाला है, और इसमें मैं कर दूंगी नमक ऐड अपने स्वाद अनुसार, आप अगर तेज़ खाते हो तो तेज़ और कम खाते हो तो कम, हमारे घर पे तो मीडियम साइज़ में खाया जाता है। और इसको मैं अब चढ़ा दूंगी चूल्हे पे, और मैं बनाऊंगी भिंडी की भुजिया। मैंने भिंडी भी धो के बगल में रख दी है, पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं भिंडी कटिंग कर लूँगी। और खाना बनाते बनाते ये मेरा दो दिन बाद की क्लिप मैं जोड़ रही हूँ, और चीकू की तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से मैं आगे की वीडियो नहीं कर पाई,
तो आप लोग इस पूरा मैं नहीं दिखा पाई कि ये कैसा बना था, पर मैं आप लोग को खाना दिखा दूंगी कि कैसा बना था, तो बताइएगा। और यहाँ पे अब मैं सब सामान हटा दूंगी यहाँ से, सारी चीज़ें, और सारा फिर किचन में जैसे 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 काम करते हैं मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ हो गई थी चीकू की तबीयत ख़राब। तो ये है हमारे घर का खाना, देख सकते हैं, दाल, भिंडी की भुजिया, चावल और मिर्च। ये खाना मैंने निकाल दिया था, मैंने वो आगे की वीडियो कल की है, तो कल चीकू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं आगे की वीडियो नहीं कर पाई और ना ही दे पाई आप लोगों को, क्योंकि कल उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टी दस्त बुखार हो रहा था, तो इसी मारे। तो बताइए आप लोग कैसे हो। तो मैंने, मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की, और देखिए मैंने इधर की लिपस्टिक खा गई है। मेरा यही काम है, मैं लगाती हूँ और जो जो चीज़ें खाती हूँ सीधे खा जाती हूँ। कुछ देर बाद आप मुझे देखोगे तो फिर मैं अपने रूप में आ जाती हूँ। तो बताइए आप लोग कैसे हो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। देखिए अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे नीचे के घर का काम धाम में, क्योंकि मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को पता है, पता सभी को है, पर बात यह है कि बहुत लोग होते हैं जो ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं, तो सबके मन का नहीं हो पाता, इसी मारे मैं किसी अब वो ब्लॉग में आ जाएंगे, और एडिटिंग करते समय बहुत प्रॉब्लम में आती हूँ, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ जो मेरा कमरा है मैं उसमें वीडियो बनाती हूँ। एक नीचे कमरा है उसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो उसकी शॉर्ट वीडियो आपने देखी होगी। तो अब मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर एक बार बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और उस पर ऑल दबा दिया करिए कि जिससे मेरी जब भी मैं ब्लॉग डालूं तो नोटिफिकेशन आप पे चली जाए, और मेरी शॉर्ट भी देखा करिए। कोई बात नहीं, धीरे ही धीरे सही कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ जब तक कोई पैर पकड़ के ना खींच दे। कुछ कुछ मजबूरियाँ हैं मेरी जो मुझे बांध देती है, लेकिन फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ, फिर वहीं खड़ी मिल जाती हूँ आप लोगों को। तो जो बीच में ब्लॉग नहीं आते हैं वो, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर पाती हूँ। करूँगी जब मेरा चैनल चलेगा, जब मैं कुछ बन के सबको दिखाऊंगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं निकम्मापंथी करती हूँ, मतलब अच्छा काम नहीं करती हूँ, तो मुझे उन लोगों को पीछे छोड़ना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को इसी तरीके से दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए।